केंद्र सरकार ने पबजी सहित 100 से ज्यादा चाइनीज ऐप बैन कर दी हैं। इससे पहले भी टिकटॉक सहित कई ऐप बैन की थी। अब सबसे ज्यादा जिक्र पबजी का हो रहा है, लेकिन पबजी को बैन करने पर अभिभावक खुश हैं। वे केंद्र सरकार के इस फैसले को सराहनीय बताते हुए उसका स्वागत कर रहे हैं। हरियाणा में भिवानी के लोगों से जब इस बारे में बात की तो ज्यादातर लोग सरकार के फैसले के साथ खड़े दिखाई दिए, खासकर अभिभावक, जिन्होंने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए स्वागत किया। अभिभावकों का कहना है कि पढ़ाई के नाम पर बच्चे कब पबजी के आदि हो जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे में मना करने पर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। खेलने या पढ़ने के बजाय पूरा दिन बस मार डाला, बच गया, ढींचू ढींचू करते रहते हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला सराहनीय है व स्वागत योग्य है। वहीं पबजी खेलने वाले युवकों से जब बात की गई तो कुछ युवक सरकार के फैसले को सही बता रहे थे। कुछ युवाओं ने कहा सरकार ने सुरक्षा को लेकर फैसला किया है तो वे सरकार के साथ हैं। वहीं कुछ युवाओं ने कहा कि पबजी बंद होने से बहुत परेशानी हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन से अब तक पूरा दिन कैसे कट जाता था पता नहीं चलता था, लेकिन अब न टाइम पास होगा और फ्री होने पर घर पर लड़ाई होगी वो अलग। भिवानी में ज्यादातर अभिभावकों का मत है कि सरकार को न केवल चाइना के बल्कि ये वाहियात खेलों की हर ऐप बंद कर देनी चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ाई व अन्य खेलों की तरफ ध्यान दें और जब मोबाइल पर नेट प्रयोग करें तो उन्हें जरूरी और काम की चीज़ ही देखने को मिले। जो चीज़ें हैं इस तरह की, जो गेमिंग के जो लगातार बच्चे जो इसमें बिजी रहते हैं, इस तरह की चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए, शुरुआत में ही बंद हो जानी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, पहले नहीं हुई है तो ये कल केंद्र सरकार ने जो ये आदेश पारित किया है ये तो बहुत स्वागत योग्य वो है। बच्चे पढ़ाई छोड़ करके इन चीज़ों में लगे रहते हैं तो 2 बजे तक खेलते रहें तो ये कोई, मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इनका मानसिक तौर पे अगर विकास तभी हो सकता है जब वो कुछ समय के लिए फ्री रहेंगे, खाली रहेंगे, तभी उनका मानसिक विकास रहेगा, अच्छी चीज़ों की तरफ वो ध्यान दें। जब लगातार कंसंट्रेशन किसी चीज़ के ऊपर रहेगा तो दूसरी चीज़ें वो सिस्टम से बाहर जाती चली जाती हैं, और ये तो एक स्वागत योग्य कदम है और मोदी जी की इस बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सरकार का इस पहल का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। वास्तव में एक बहुत मकड़ जाल की तरह ये पबजी गेम बच्चों में फैल चुका था और इससे बच्चे हिंसक रूप लेने लगे थे। अगर माँ बाप कोई काम बताते थे, अरे बच्चा पबजी में व्यस्त है, तो माँ बाप के सामने बोलने लग जाता था। और कई जगह तय से सुनने में आया, ऐसा देखा भी गया है कि माँ बाप के साथ उन्होंने झगड़ा भी किया है और हाथापाई की नौबत आ गई है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे जो गेम है, जितने भी गेम हैं, उनके ऊपर सरकार ने तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए, ताकि एक तरफ तो नशे की तरफ जा रहे, नशे से ज़्यादा बुरा रोग है ऐसा गेम। तो मैं सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा कोई भी ऐसे गेम होगा सरकार उसके ऊपर बैन लगाएगी। हाँ जी, मेरा नाम जोनी कुमार है। मैं जी पबजी खेला करता, बहुत बढ़िया रहा करता, टाइम पास बढ़िया रहा तो जाना, लेकिन बैन करा पास जी ना तो टाइम पास होता और घर का भी सुनना मिला, क्योंकि पहला पबजी खेला करते यार बासा दर्द ले जा करते आसे पास है तो थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता, लेकिन पबजी बंद हो पास बस कुछ मत टाइम पास ही नहीं हो रहा करती। नाम भुवन चावला है। सरकार ने ये निर्णय अपने भारत देश की सुरक्षा के लिए लिया है और सुरक्षा के नाते, भारत देश के नागरिक के नाते, अगर सरकार ने निर्णय लिया तो बहुत अच्छा है। हम भी पबजी खेलते थे अपना खाली समय में, बहुत अच्छा गेम था, खेलते थे, सभी दोस्त मिलते थे, बात करते थे, खेलते, लेकिन सरकार ने अपनी देश की सुरक्षा के लिए किया तो बहुत अच्छा निर्णय है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।